और अब इसी हमले से जयपुर के चोमू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले का ये मामला, जिसमें चोमू के 4 लोगों की मौत हुई। नारायण अस्पताल कटरा में फिलहाल पवन सैनी भर्ती है। तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल विश्नोई मौके पर पहुंचे। विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला मौके पर पहुंची हैं। आपको बता दें, विधायक डॉक्टर शिखा ने परिजनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग है। तो आतंकियों ने बस चालक को गोली मारी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर 200 फीट नीचे खाई में गिरी। आपको बता दें, इस आतंकी हमले के अंदर 10 लोगों की मौत, 33 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल जयपुर के 4 लोग जो कि चोमू वासी हैं, उनमें से एक अस्पताल में भर्ती है। पवन सैनी नाम का व्यक्ति जो कि अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, और उसी को लेकर ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नारायण अस्पताल कटरा में पवन सैनी भर्ती है। पवन सैनी के पैर में चोट आई है, उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। देश ही और हम खासकर चोमूवासी घोर निंदा करते हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तीर्थयात्री जो माता के दर्शन करने वहाँ गए हैं, और वहाँ से इस तरह के समाचार आना एक परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। इसमें राजेंद्र जी और ममता जी हमारे चोमू निवासी थे। पूजा जो उस हादसे में ख़त्म हुई है, वो हमारे चोमू की बेटी है। तो अब जबकि आतंकवादियों ने ऐसा किया है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कदम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, और ख़ासकर इस हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उठाए जाएं, उन्हें ढूंढा जाए, और जो पीड़ित हैं, जो पीछे आश्रित हैं परिवार में, उन लोगों को मुआवजा। रात को, देर रात को ये हादसा हुआ, उसमें अभी तक जो है सूचना, उसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई है। अभी वहाँ जम्मू में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद में फिर सबों को यहाँ लाया जाए। वार्ड पास में 5 नंबर से जो गए हुए हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। रिलेशन हमारा क्लोज है सभी का। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, जो भी वहाँ पे घूमने जाए, वो श्रद्धालु घूमने जाते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के जो भी गतिविधियाँ हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे